नमस्कार साथियों, भटनेर आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान के स्रोत, यानी कि हमारे संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट हमने विदेशी संविधानों से लिया है। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, इससे संबंधित एक प्रश्न लगभग हर परीक्षा में आता है, तो आपकी परीक्षा में भी आना स्वाभाविक है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से उपबंध हैं और किस देश के संविधान से हमने उनको ग्रहण किया है। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप पर। हमारी एंड्रॉइड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर ये कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉइड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatneraies.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सी सेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए, देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं, खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। तो पहले हम शुरू करते हैं, पहला हम देखते हैं अमेरिका का संविधान, यानी कि यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट लिए हैं। देखिए यहां पे 6 बिंदु हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज ऊपर लिखी हुई है वो हूबहू उठाकर हमने वैसी की वैसी हमारे संविधान में रख दी है। कई लोग संविधान की आलोचना करते हुए अक्सर ये कह देते हैं कि हमारा संविधान कट कॉपी और पेस्ट है। नहीं है, ऐसा नहीं है मित्रों, हमारा संविधान मौलिक है, मौलिक है और मौलिक ही रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं यहां पर पहला जो बिंदु यहां पर लिखा गया है मूल अधिकार, बिल्कुल फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए के संविधान से लिया है, अच्छी बात है लिया है, लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि सारे के सारे आर्टिकल वहां से उठाकर हूबहू अपने संविधान में रख दिए। नहीं, मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज होती है, ये तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कौन कौन से अधिकार उसमें होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, वो हमने स्वयं ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने तैयार किए हैं। तो इसलिए ये कहना कि भारत का संविधान कट कॉपी और पेस्ट है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निरर्थक है, ऐसा नहीं है मित्रों, हमारा संविधान मौलिक है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर दुनिया की सबसे पवित्र किताब मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि भारत का संविधान दुनिया की सबसे पवित्र किताब है। तो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, मूल अधिकार हमने अमेरिका से नहीं लिए, वो कुछ हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। जैसे हम आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। बिल्कुल, विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं तो वो हमने इंग्लैंड से लिया है, विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात करते हैं तो हमने अमेरिका से लिया है। यानी पूरा का पूरा मूल अधिकार हमने अमेरिका से उठा के अपने संविधान में नहीं रखा। फाइनली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मूल अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए अमेरिका संविधान का एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोंटेस्क्यू ने एक कॉन्सेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। हालांकि मोंटेस्क्यू ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसका संबंध अमेरिकी संविधान से नहीं था, लेकिन अमेरिका संविधान ने उसको अपना लिया। मोंटेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण देखा था वो उसने देखा था ब्रिटेन के संविधान में, जो कि बिल्कुल ही गलत था, लेकिन अमेरिका ने मोंटेस्क्यू को फॉलो करते हुए अपने यहां शक्तियों के पृथक्करण के कॉन्सेप्ट को अपना लिया, शक्तियों का पृथक्करण प्लस नियंत्रण और संतुलन। यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों के अपने अपने अलग अलग कार्य होंगे, तीनों एक दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। परंतु अगर ऐसा हो जाए कि न तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप करे, न व्यवस्थापिका न्यायपालिका के कार्यों में, न न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों में, तो ये तो एक प्रकार की स्वतंत्रता हो जाएगी। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स भी चाहिए, परंतु हमें उसके साथ साथ बैलेंस भी तो चाहिए, नियंत्रण और संतुलन। यानी अलग अलग भी हैं परंतु फिर भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और यही कॉन्सेप्ट हमने रखा है हमारे संविधान में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च रहेगी, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का आधार हो सकता है। अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका एक हो गए तो लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे संविधान का आर्टिकल 50 ये कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक रखा जाएगा, हमने रखा है, इसलिए हमने न्यायपालिका को सर्वोच्चता और स्वतंत्रता प्रदान की है, और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति होगा जो कि संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा, जो कि राज्यसभा का सभापति होगा। इसमें से हमने उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिकी संविधान से ली है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा और वो द्वितीय सदन का सभापति होगा, अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, और हमने भी उसको वैसा का वैसा अपने संविधान में रख लिया। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, हमारे संविधान का आर्टिकल 13 का संबंध जुडिशियल रिव्यू से है।
देखिए मित्रों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जुडिशियल रिव्यू जैसा कोई शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13 का क्लॉज 1-2 उसमें जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है उसका मतलब ये निकलता है कि ये न्यायिक पुनरावलोकन होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है। तो जुडिशियल रिव्यू जो हमने लिया है, कॉन्सेप्ट लिया है, वो अमेरिका संविधान से लिया है। हालांकि अमेरिकी संविधान में भी जुडिशियल रिव्यू जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट प्रचलित है और हमने इसको उठाकर अपने यहां रख लिया। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि अगर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी करती है, उनके मौलिक अधिकारों में वादा उत्पन्न करती है, कोई ऐसा कानून पारित करती है जो जनता के अधिकारों के खिलाफ है, तो न्यायपालिका अपनी जुडिशियल रिव्यू पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कानून को रद्द घोषित कर सकती है। या फिर व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बना रही है जो कि संविधान का उल्लंघन करता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू शक्ति का प्रयोग करके उस कानून को रद्द कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, ये भी लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। पांचवा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। देखिए मित्रों, न्यायाधीशों को हटाना हर देश में अलग अलग सिस्टम है। कहीं पर तो राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जाता है, कहीं जगह संसद द्वारा हटाया जाता है। हमारे जहां पर जो न्यायाधीश हैं, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उनको हटाने के लिए एक जैसी प्रक्रिया है कि अगर न्याय किसी भी न्यायाधीश पर अक्षमता या फिर सिद्ध कदाचार का आरोप लगाया गया है तो इसके लिए संसद में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव चाहे तो आप लोकसभा में लाइए, चाहे राज्यसभा में लाइए, फिर उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना होता है, फिर जाकर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। वहां पर भी किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए अमेरिका की कांग्रेस, क्योंकि अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, अमेरिका की कांग्रेस में एक प्रस्ताव लाया जाता है, फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर जाकर न्यायाधीश को हटाया जाता है। और फाइनली है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको बोलते हैं महाभियोग प्रस्ताव। फिर यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग एक बहुमत से पारित होता है, जो कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होता है। दोनों सदनों ने पारित कर दिया तब जाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो ये 6 कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। अगला जो है मित्रों वो है ब्रिटेन। देखिए 1947 से पहले आप सभी इस चीज से परिचित हैं कि भारत ब्रिटेन का, इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है, गुलाम रहा है और अंग्रेजों का शासन था। तो संभावना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे संविधान में हो सकती हैं जो कि ब्रिटेन से प्रभावित हो। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि एक लंबे अरसे तक हम उस अंग्रेजी शासन का या अंग्रेजी सत्ता का शासन भोग चुके थे। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे, टोटल 6 बिंदु हमने दे रखे हैं जो कि ब्रिटेन के संविधान से हम कह सकते हैं लिए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। पहला है मित्रों विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन होगा, किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री आया, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो कांग्रेस से है या फिर वो किसी भी पार्टी से है, वो अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा। राष्ट्रपति है, अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा, उसको हमारे संविधान, हमारे देश के संविधान को फॉलो करना ही पड़ेगा। जो भी प्रकार के कानून हैं, कोई आईपीसी है, कोई सीआरपीसी है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर किसी के व्यक्तिगत कानून नहीं चलेंगे, जो विधि है उसको फॉलो करते हुए शासन करना पड़ेगा। और विधि सभी के लिए है, नागरिकों के लिए कानून है तो शासकों के लिए भी कानून रहेंगे। विधि का शासन है और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन से। दूसरा है संसदीय व्यवस्था। देखिए भारत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए हुए है और संसदीय शासन प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है कि इसमें जो कार्यपालिका होती है मित्रों वो दोहरी होती है, कार्यपालिका दोहरी होती है। दोहरी का मतलब एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र में होता है प्रेसिडेंट और वास्तविक में होता है प्रधानमंत्री।
हालांकि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर नाम मात्र की कार्यपालिका ताज क्राउन को बोलते हैं वहां पे, और वास्तविक वहां पे प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे नाम मात्र कौन है? राष्ट्रपति। हमारे राजा नहीं होता, क्योंकि हमने गणराज्य व्यवस्था को अपनाया हुआ है। संसदीय है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य भी है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, दो तीन चीजें होती है। नंबर एक तो दोहरी कार्यपालिका होती है। दूसरा क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है उसका जन्म व्यवस्थापिका में से होता है, यानी जो मंत्री परिषद होती है वे संसद के सदस्य भी होते हैं अनिवार्य रूप से। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता। जबकि अमेरिका में जस्ट इसके खिलाफ है, जस्ट इसका अपोजिट है। अमेरिका में क्या होता है कि जो मंत्री है वो सांसद नहीं हो सकता, जो सांसद है वो मंत्री नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहां पे क्या है, जो मंत्री है उसको सांसद होना ही पड़ेगा, सांसद ही मंत्री बन सकता है। इसलिए हमारे यहां पे क्या है, संसदीय है व्यवस्था है। और अमेरिका में कौन सी है? अध्यक्षीय व्यवस्था, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। और ये संसदीय शासन प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से। विदाई प्रक्रिया, विदाई प्रक्रिया का मतलब कि कानून कैसे बनेंगे, संसद के दोनों सदन उसको पारित करेंगे, फाइनली इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तब जाके कानून बनेगा। एकल नागरिकता, हमारे देश की अगर बात करें भारत में तो हम भारत के नागरिक हैं। हम पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के नागरिक कभी कभी भी नहीं हैं। हम भारत के नागरिक हैं और हमारी एक ही नागरिकता है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां पे व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक है और अपने राज्य का भी नागरिक होता है। जबकि हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता का हमने कॉन्सेप्ट लिया है ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। एकल नागरिकता, एकल संविधान। मंत्रिमंडल प्रणाली भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और द्विसदनीय व्यवस्थापिका, लोकसभा राज्यसभा दो प्रकार के सदन होंगे। ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि कॉमन सभा, लॉर्ड सभा, वो ठीक वैसे होती है जैसे अपने लोकसभा और राज्यसभा है। तो ये दो सदनीय वाली व्यवस्था हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। और संसदीय विशेषाधिकार भी हमने कहां से लिए हैं मित्रों? ब्रिटेन से। तो ये छह कॉन्सेप्ट हैं जो हमने ब्रिटेन से लिए हैं। देखिए, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन एक आत्मक शासन को अपनाया हुआ है, तो जो भी एकल एकल चीजें हैं वो ब्रिटेन से ली हुई है। और ब्रिटेन विधि के शासन को बहुत ज्यादा मानता है, तो विधि का शासन, ये व्यवस्था हमने कहां से ली हुई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बाद तीसरा है मित्रों आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से मैंने क्या कुछ लिया है? पहला है DPSP, यानी कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। देखिए, कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है जब हम पढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, और वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं निर्देशों का उपकरण या निर्देशों के उपकरण। और ये निर्देशों के उपकरण ही बाद में क्या बन जाते हैं? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कंफ्यूजन हो गया भी, नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं या फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम। अब मान लो दोनों ही ऑप्शन आ जाए, 1935 का भारत शासन अधिनियम भी आ जाए और आयरलैंड भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे? तो मित्रों, आपको आयरलैंड ही करना है, क्योंकि जब 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये निर्देशों के उपकरण को रखा गया था तो ये भी आयरलैंड से लिए गए थे, और ये बाद में क्या बन जाते हैं? DPSP। तो इसको हम कह सकते हैं कि कहां से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से। दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख है कि राष्ट्रपति एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति से चुना जाएगा। और ये पद्धति जो है हमने कहां से ली है मित्रों? ये पद्धति हमने ली है आयरलैंड के संविधान से। तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन। आर्टिकल 80 के अंतर्गत जब राज्यसभा को हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया गया है, जब राज्यसभा की संरचना को पढ़ते हैं, कि 12 ऐसे सदस्य
जिन्हें ज्ञान विज्ञान कला साहित्य समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त है, ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। और ये जो देश हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया मित्र हो आयरलैंड के संविधान से। तो तीन चीज़ें हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। बहुत अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि नीति निदेशक तत्वों का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है। हालांकि इनको भी देखना है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की पद्धति, ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। उसके बाद है मित्रों कनाडा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि अगर हम भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था का अवलोकन करें तो हम क्या पाएंगे कि भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश की शासन व्यवस्था के समरूप है, या फिर यूं कहें कि बहुत अधिक निकट है, तो उसमें अमेरिका नहीं होगा, उसमें क्या होगा, कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो बहुत कुछ सीमा तक हम कनाडा जैसी शासन व्यवस्था को फॉलो किए हुए हैं। अब क्या कुछ है, देखिए संघीय व्यवस्था कहाँ से ली हमने। अब देखिए ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है मित्रों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संघात्मक शासन व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो 1935 भी इसका उत्तर है बिल्कुल। 1935 में जब भारत शासन अधिनियम तैयार हुआ था तो हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को पूर्ण तरीके से अपना लिया था। हालांकि अगर संघात्मक शासन व्यवस्था का आधार पूछा जाए आपसे तो वो 1919 का अधिनियम है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में, लेकिन पूर्ण तरीके से जो संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई वो 1935 के अधिनियम में। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि संघात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से। अब मान लो दोनों उत्तर आ जाएं, ब्रिटेन 1935 का अधिनियम भी आ जाए कनाडा भी आ जाए, तो क्या करेंगे, तो अपने को देखना है प्रश्न क्या है। अगर वो सीधा पूछ रहा है कि संघीय व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है, तो उसका उत्तर होगा मित्रों 1935 का अधिनियम। लेकिन वो कहता है कि सशक्त केंद्र सहित संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है, तो उसका उत्तर होगा कनाडा। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है यहां पर। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है मित्रों वो है अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेगी, केंद्र के पास। देखिए जब अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, राज्यों की शक्तियां गिना दी गई है, केंद्र की शक्तियां गिना दी गई है, और जो बची शक्तियां हैं वो किसको दे दी गई है, राज्यों को, केंद्र के पास नहीं है। देखिए ये तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, तभी तो हम कहते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है, अमेरिका। क्यों, क्योंकि वहां पर केंद्र की अपेक्षा राज्य अधिक पावरफुल हैं। वहां पर क्या है कि केंद्र को बता दिया गया कि भाई आपकी ये शक्तियां हैं, ये विषय तो केंद्र के हैं और राज्य के हैं, और उसके बाद अगर मान लो इनमें कोई नहीं लिखा हुआ तो बाहर से कोई विषय आ गया है तो वह राज्य के पास जाएगा। लेकिन कनाडा में क्या कर दिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है। और हमारे संविधान में भी देखिए, अब सातवीं अनुसूची को पढ़िए, तीन सूचियां बनाई गई है, संघ सूची 100 विषय उसमें अभी लिखे हुए हैं, राज्य सूची 61 विषय लिखे हुए हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय लिखे हुए हैं। इसके अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा कोई विषय आ जाता है तो अपने आप ही केंद्र के पास जाएगा। जैसे कि साइबर क्राइम एक नया विषय पैदा हुआ है, जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान बना लागू हुआ, उस समय साइबर क्राइम जैसे विषय की कल्पना करना ही शायद अपने आप में असंभव था, लेकिन आज ये संभव हो सका है कि साइबर क्राइम जैसा एक विषय है, और ये विषय किसके पास चला गया, ये चला गया मित्रों केंद्र के पास। और ये कॉन्सेप्ट हमने किसे लिया है, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हमने पढ़ा है आर्टिकल 155 के तहत नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये केंद्र द्वारा यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करने का जो प्रावधान है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, जब हम उच्चतम न्यायालय की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति
उच्च न्यायालय, सॉरी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे पर परामर्श ले सकता है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की हम बात करते हैं, क्या कुछ लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। पहला है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां सेवंथ शेड्यूल में लिखी हुई है। और इसमें से जो समवर्ती सूची वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, जब हम पढ़ते हैं हमारे देश के संविधान का भाग तीन, और भाग तीन में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19(1), और 19(1) में हम पढ़ते हैं 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख। तो उसमें हम व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी कि सभा करने की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें ली गई है कहाँ से? ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद की संयुक्त बैठक, किसी विषय को लेकर अगर संसद के दोनों सदन एकमत नहीं हैं तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद का जॉइंट सेशन बुला सकता है। और ये जॉइंट सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। और एक बात बता दूं मित्रों कि जॉइंट सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे जॉइंट सेशन जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि राज्य विधानसभा का कभी भी जॉइंट सेशन नहीं होता है। जर्मनी, आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स का जो स्थगन होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और ये स्थगन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है जर्मनी के बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए क्या है ना कि जब भी आपातकाल की घोषणा होती है तो इसका प्रभाव क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं, बिल्कुल स्थगन। और एक इसमें होता है प्रतिबंधन, प्रतिबंध, स्थगन मतलब निलंबित। दो कॉन्सेप्ट है, एक तो स्थगन या निलंबित यानी कि सस्पेंड बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, और एक होता है प्रतिबंध। जब आपातकाल लागू हो गया है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बकायदा देश के नाम एक आदेश जारी करता है कि आपातकाल लागू हो गया है, इसलिए देश के नागरिकों के ये मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए सस्पेंड किए जा रहे हैं, निलंबित किए जा रहे हैं, स्थगित किए जा रहे हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट के स्थगन की जो पावर है वो है राष्ट्रपति के पास। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों के प्रतिबंधन की पावर किसके पास है तो मित्रों ये रहती है संसद के पास। प्रतिबंधन का अर्थ होता है कि उस फंडामेंटल राइट का प्रतिबंध कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि आर्टिकल 31 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया है, उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। ये कौन करता है? संसद। स्थगन राष्ट्रपति, प्रतिबंधन पार्लियामेंट। तो मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है आपातकाल के दौरान, ये कॉन्सेप्ट जर्मनी के बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सोवियत संघ, जिसका कि अगर उत्तराधिकार की बात करें तो हम किसको मान सकते हैं? रूस को मान सकते हैं। हालांकि जब सोवियत संघ 1991 में टूटा था तो 15 स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए थे, जिसमें एक रूस था जो कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना जाता है। अब क्या कुछ लिया हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक संविधान में मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और इसके तहत संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और 1986वां संविधान संशोधन करके 2002 में एक और यानी कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। ये जो 42वां संविधान संशोधन करके हमने भाग 4A बनाया और आर्टिकल 51(1) के तहत हमने मौलिक कर्तव्य रखे, ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमने लिया था रूस या कह सकते हैं सोवियत संघ। अगर सोवियत संघ उत्तर में नहीं है, रूस है, तो
तो वहां पर रूस को भी सही माना जाएगा, अगर दोनों हैं तो उत्तर होगा सोवियत संघ। प्रस्तावना में न्याय, देखिए प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो तीन प्रकार के जस्टिस का वहां पे उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है मित्रों, वो हमने लिया है सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से। हालांकि आपको बता दूं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में तो है ही है, इसके साथ साथ इसका उल्लेख है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 38 में, उसमें भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द उल्लेखित है। फ्रांस, फ्रांस के संविधान की अगर बात करें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने ग्रहण की है। गणतंत्रात्मक क्या होता है, जिस देश का राजा निर्वाचित होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, वो कोई मायने नहीं रखता। यानी चाहे तो जनता प्रत्यक्ष चुने या फिर जनता अप्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन करे, अगर ऐसा है तो वो शासन व्यवस्था कैसी होगी, गणतंत्रीय, गणराज्य। 1950 से पहले भारत में राजा निर्वाचित नहीं होता था। भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना पदभार संभाला, राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू किया। तो ये माना गया कि 26 जनवरी को भारत गणराज्य घोषित हुआ, इस कारण से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट, यानी कि राजा के निर्वाचित होने वाला कॉन्सेप्ट, राजा मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति कहेंगे हम, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है मित्रों, फ्रांस के संविधान से। और एक चीज़ बता दूँ आपको हटके, फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें दोहरी न्यायिक व्यवस्था है। वहाँ पर दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक सामान्य न्यायालय और दूसरे होते हैं प्रशासनिक न्यायालय। यानी कि प्रशासनिक न्यायालय जैसा अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो केवल और केवल फ्रांस के संविधान में है। और फ्रांस के संविधान से दूसरा जो तत्व है वो है हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, और इसको हमने उठाकर रख लिया हमारी प्रस्तावना में। ये तीन शब्द जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से। जापान, और जापान से हमने सिर्फ एक ही चीज़ ली है और वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दो चीज़ें होती है, एक होता है विधि की उचित प्रक्रिया और दूसरा होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोनों का पहले मतलब समझते हैं। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब है कि जो भी विधि बन रही है, जो भी लॉ बन रहे हैं, जो भी एक्ट बन रहे हैं, वो उचित प्रक्रिया से बनने चाहिए। उचित मतलब कि क्या सही है क्या नहीं है, नैतिकता का उसमें समावेश होना चाहिए। यानी नैतिकता के आधार पर हम जान सकें कि भाई ये सही है कि गलत है, वो होती है विधि की उचित प्रक्रिया। दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि चाहे चीज उचित है चाहे अनुचित है, नैतिक है अनैतिक है, लेकिन क्या वहां पर विधि की स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया। विधि की स्थापित प्रक्रिया का मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की प्रस्ताव रखा गया एक सदन में, उसने पारित किया, दूसरे सदन ने पारित किया, राष्ट्रपति ने साइन किए, प्रस्ताव तैयार होकर एक्ट बन गया। ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसमें यह नहीं देखा जाता कि वह नैतिक है कि अनैतिक है, विधि की स्थापित प्रक्रिया है। हालांकि हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के कॉन्सेप्ट का उल्लेख करता है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विधि की उचित प्रक्रिया भी अपने आप अंतर्निहित है। यानी हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, लेकिन हम नैतिकता के आधार पर इस चीज को भी तोलेंगे कि जो कानून बन रहा है वो नैतिक तो है, वो उचित तो है, वो जनता के कल्याण से संबंधित तो है। और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये हमने लिया है जापान के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट बेसिकली लिए हैं। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान कैसे होगा, संविधान कब होगा,
संविधान का संशोधन कितने बहुमत से होगा। हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में अगर संशोधन करने की बात करें तो तीन तरीकों से संशोधन हो सकता है, सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। ये तो संविधान में संशोधन करने के तरीके हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 368 को फॉलो करते हुए संविधान में कितने तरीके से संशोधन किया जा सकता है, तो है उत्तर दो, यानी दो तरीके से, यानी कि विशेष बहुमत प्लस, दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, यानी साधारण बहुमत से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं उनको अमेंडमेंट के रूप में गिना ही नहीं जाता। 104 संविधान संशोधन हुए हैं वो या तो विशेष बहुमत से हुए हैं या विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से हुए हैं, यानी साधारण बहुमत को इसमें काउंट नहीं किया जाता। और ये संविधान संशोधन का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमने साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, हमारे यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की अगर बात करते हैं तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य उनका निर्वाचन करते हैं, यानी कि जनता इनडायरेक्टली चुनाव करती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनका चुनाव करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। और लास्ट जो मित्रों इसमें है वो प्रॉपर हम उसको देश नहीं कह सकते, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए हमारा संविधान, मैंने पहले कहा था कट कॉपी पेस्ट कहना तो बिल्कुल गलत है, निरर्थक है, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है इस बात का तो। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लगभग 60% कॉन्सेप्ट जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, मैटर नहीं लिया गया। जैसे संघीय व्यवस्था कहां से ली हमने, 1935 के अधिनियम से। लेकिन क्या हमारी संघीय व्यवस्था टोटल मानी 1935 के अधिनियम से ली है? नहीं, क्योंकि हमने सशक्त केंद्र सहित संघीय व्यवस्था बनाई है, और सशक्त केंद्र सहित संघीय व्यवस्था हमने कहां से ली है मित्रों, वो हमने ली है कनाडा के संविधान से। यानी दो रोल हो गए यहां पर, संघीय व्यवस्था में 1935 का बाल शासन अधिनियम भी है और कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन भी है। दूसरा है राज्यपाल का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है बेसिकली, वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, 2 साल, 3 साल, 10 साल भी हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 156 का क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से। न्यायपालिका जुडिशरी का होना कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन 1935 के अधिनियम से। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, यूपीएससी और एसपीएससी, ये हमने कहाँ से लिया है, 1935। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर बात करते हैं लोक सेवा आयोग की कॉन्सेप्ट की तो पहली बार 1919 के अधिनियम में उल्लेख था कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। उसके बाद 1923 में एक ली आयोग था जिसके अध्यक्ष सर रॉस बॉर्कर थे, उनकी अध्यक्षता में ली आयोग गठित किया गया और ली आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर 1926 में पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और 1935 में इसको बना दिया फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन जो था 1935 से लेकर 1950 तक काम करता रहा और 1950 में ये बन गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हम कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया 1935 के भारत शासन अधिनियम से। आपातकालीन उपबंध कि राष्ट्रीय आपात होगा, राष्ट्रपति शासन होगा, वित्तीय आपात होगा, ये जो उपबंध हैं, प्रशासनिक विवरण हैं, ये हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। तो ये थे मित्रों हमारे विदेशी स्रोत, हमारे संविधान के विदेशी स्रोत। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।